ओके अब हम कंटिन्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिविटी. ठीक है, रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिविटी में काउंट क्यों किया गया? ठीक है, बिकॉज हमारे एनवायरमेंट में, नेचर में, ठीक है, हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन. ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं. इवन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी की अगर कोई चीज आप चार्ज करते हो, सेलफोन. ठीक है, सेलफोन की बैटरी, ठीक है, एग्जॉस्ट होती है, बराबर कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में हर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाता है, हर सभी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं. बट इसके अंदर भी दो टाइप्स देखने मिलते हैं, कुछ रिसोर्सेज अगेन रिन्यू कर सकते हैं हम, और कुछ रिसोर्सेज को हम रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देर आर टू सब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल. कौन से रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये चीजें याद रखो. ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि विच कैन बी रिन्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलार एनर्जी, मेरे पास सोलार पैनल्स है, मैं उसकी एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, रिन्यू कर सकता हूँ और उसको रीयूज कर सकता हूँ, तो वो हो जाएगा किसके अंदर काउंट हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा. ठीक है, देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन. ठीक है, ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स एक बार अगर सर्टेन लिमिट तक यूज होने के बाद खत्म हो जाएंगे तो इन्हें सबसे जल्दी और फास्ट इन्हें रिन्यू किया जा सकता नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस से रिन्यू होगी ना. क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये दो क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है, इसके बारे में एक बार रीड करते हैं. रीड करो आप. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इंटू कंटिन्यूस ऑफ फ्लो रिसोर्सेज, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो मैंने अभी कहा, विच कैन बी रिन्यू. ठीक है, और वो रिन्यू करने के पैटर्न्स कोई भी हो सकते हैं, या तो वो केमिकली रिन्यू हो सकता है, ठीक है, या तो वो मैकेनिकली रिन्यू हो सकता है, ठीक है, या तो फिर वो फिजिकली भी रिप्रोड्यूस वापस से हो सकता है, रिन्यू हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दिया है ऑलरेडी, वाटर कैन बी रिन्यू. ठीक है, विंड एनर्जी कैन बी रिन्यू. ठीक है, विंड एनर्जी आपको पता है क्या होता है. देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर आप प्लांटेशन करते हो तो आप फॉरेस्ट यानी कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है वैसे आप अफॉरेस्टेशन भी कर सकते हो. क्लियर हो गया? वाइल्ड लाइफ, जैसे जैसे नंबर ऑफ जो स्पीसी से कम होते जा रहे हैं वैसे रिप्रोडक्शन के थ्रू वो वापस से बढ़ेंगे भी. क्लियर हो गया? तो ये था रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर हो गया? देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यू. ठीक है, और उसके अंदर भी टू टाइप बताया है, रिसाइकलेबल, ठीक है, और नॉन रिसाइकलेबल. ठीक है, यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट में बताया भी जाता है रीयूज रिसाइकल. ठीक है, बराबर क्लियर हो रहा है? थ्री आर्स जो होते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो हमें वगैरह की सर्टन जो पीस ऑफ रॉक है उस पीस ऑफ रॉक पे जो स्केलेटन होता है पर्टिकुलर कोई भी एनिमल का, उसका जो हमें दाग में दिखने मिलता है, ठीक है, उसका जो स्केलेटन का धब्बा होता है, ठीक है, वो होता है फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एन नंबर ऑफ उसे टाइम लगते हैं, टाइम पीरियड लगता है वापस से रिन्यू होने के लिए. ठीक है, तो वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमने सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज कर लिए हमने तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो शॉर्टेज हो जाएगा और बंद हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलने के लिए आपको तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. क्लियर हो गया? तो ये था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाला कंसेप्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ
ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि कौन से रिसोर्सेस कौन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर फोर सब डिविजन्स, ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेज है। पहला वाला कौन सा है? दूसरा वाला? तीसरा वाला? फोर्थ वाला? फर्स्ट वाला? सेकेंड? थर्ड? फोर्थ? क्लियर हो गया? ठीक है, ये चार सब डिविजन है किसके? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको हम वन बाय वन करके एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल पर्सन होल्ड करके रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सेलफोन, वो क्या है? सार्वजनिक नहीं है, मेरा पर्सनल है। ठीक है, सिर्फ वो, सिर्फ और सिर्फ मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो किसका रिसोर्सेज है? सिर्फ मेरा रिसोर्सेज है। यानी कि वो रिसोर्सेज क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के घर, बराबर, आपके जो घर है, आपका कार है, ठीक है, आपके जितने असेट्स है, ठीक है, वो सारे के सारे असेट्स को कौन इंजॉय कर रहा है? आप अकेले खुद। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सभी के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जहां पर इंडिविजुअल पर्सन ही उसको इंजॉय कर सकता है, ठीक है, और वो नीड्स इंडिविजुअल का ही फुलफिल कर सकता है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। बराबर, दैट आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। देन ठीक है, अगर आपके घर के यहाँ पर पॉन्ड्स है, गार्डन है, आपका घर है, आपका सेलफोन है, ठीक है, आपकी टीवी है, आपका असेट जितना भी है, ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल, वो आपका है, वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, देन कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब देखो, वर्ड बोला है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कि एक या एक से दो, एक दो या दो से ज्यादा। ठीक है, अगर मोर देन टू होंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सोसाइटी में वर्ड लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द सेंस कि आपकी एक कम्युनिटी है, सोसाइटी का एक कम्युनिटी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल टावर है। ठीक है, तो इंपीरियल टावर एक कम्युनिटी है जिसके अंदर पूरे इंपीरियल टावर के मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स होते हैं। तो वहां पर भी जब सोसाइटी में भी वर्ड यूज होते हैं कमिटी मेंबर्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कम्युनिटी के अंदर हो, इसलिए आपको बोला जाता है कमिटी मेंबर्स। ठीक है, क्योंकि आप भी उसके अंदर काउंट होते हो। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्सेस अगर दो या दो से ज्यादा या सर्टेन कम्युनिटी को, अगर सर्टेन कम्युनिटी के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो दैट विल बी कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, पढ़ो, कंटिन्यू करो। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, एग्जांपल विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरिया। ओके, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क नहीं, पब्लिक पार्क्स हैं, ठीक है, तो जितने भी गार्डन्स हैं, ठीक है, वो सारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बनाया है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जितने, मतलब दो या दो से ज्यादा जितने लोग इंजॉय करते हैं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप को, ग्रुप के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो किसके अंदर क्लासिफाई हो जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर। समझा सभी को? एनी डाउट्स? पक्का? श्योर? ओके, देन ये दो रिसोर्सेज के बाद अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो सिर्फ और सिर्फ नेशन के नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, वैसे रिसोर्सेज को आप बोलोगे नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रोडवेज, ठीक है, इंडिया का जितना भी रोडवे है वो इंडिया के सिटीजन्स उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो वो इंडिया के लोगों के नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। बाहर के कंट्री क्या उसको इंजॉय कर पा रहे हैं क्या? नहीं, इंडिया के जितने भी वाटर बॉडीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गंगा,
ठीक है, तो इंडिया का जो गंगा रिवर है वो गंगा रिवर इंजॉय कर रहे हैं पर्टिकुलर इंडिया के कंट्री, ठीक है। तो यानी कि जो कंट्री ने जो चीजें पजेस किया है और उस पर्टिकुलर चीजों का अगर वो पर्टिकुलर कंट्री ही अगर नीड्स को उसकी नीड्स को सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा नेशनल रिसोर्सेज। समझा, क्लियर हो गया। अगर इंडिया की सड़कें हैं, इंडिया की सड़कों के जो यूजेस हैं वो इंडिया के लोग कर रहे हैं, तो इंडिया के लोगों की नीड सेटिस्फाई, ठीक है, बाहर के लोगों की नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। देन पढ़ो, आप पढ़ो। यस, नेशनल रिसोर्सेज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन, एग्जांपल्स रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एक्सेट्रा, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, territorial water and the resources within. The term territorial water refers to the oceanic area up to 12 nautical miles, 19.2 km from the coast. The country has legal powers to acquire even private property for public good. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. ठीक है, ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी दिया है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नेशनल रिसोर्सेज होगा आपका टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर यानी कि आपका जो पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, जो आपका इंडियन लैंड, ठीक है, वो आपके कंट्री का लैंड है और उस पर्टिकुलर लैंड में जितने भी ओशन या वाटर बॉडीज हैं वो इंडिया के हैं, तो वो इंडिया के ही लोग इंजॉय करें, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और वो आपको बताया है कि टेरिटोरियल लैंड जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स कैलकुलेट करके बताया है कि क्या क्या है, ठीक है, कितना एक्सटेंडेड है। क्लियर हुआ सभी को? नेशनल रिसोर्सेज सबको क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके, देन द लास्ट वन इज, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब देखो, इंटरनेशनल यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री इंजॉय नहीं करेगा, उसे और भी बहुत सारे कंट्रीज इंजॉय करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस बोथ आर द ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि सिर्फ आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इन सभी के मेंबर्स बाकी के सारे कंट्रीज भी हैं, बराबर। अगर फॉर एग्जाम्पल रशिया है, फ्रांस है, तो जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, वो सभी के सभी इनके मेंबर है। यानी कि यूएनओ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब फॉलो कर रहे हैं, वो सभी के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया है। देखो, रीड करो, कौन पढ़ेगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इंक्लूड द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन which belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from an area which lies beyond the exclusive economic zone. Okay, international resources ka ek cheez hai aur, theek hai, abhi jo maine UNO bola, WHO bola, theek hai, ye institutes hai जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे ध्यान रखते हैं, रेगुलेट करते हैं और मैनेज करते हैं, बराबर। नहीं तो क्या होगा कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज अगर होंगे और उनको अगर मैनेज करने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? आपस में झगड़ा होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जैसे वापस से सिचुएशन आ जाएंगे, क्योंकि एक कंट्री बोलेगा ये मेरा है, दूसरा कंट्री बोलेगा नहीं ये मेरा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंट्रीज में कैसा हो जाएगा कि नहीं, इसका पर्टिकुलर वाटर ओशन, अब ओशन जो है वो कोई भी कंट्री के जितने भी ग्लोब में अगर आप देखोगे वाटर बॉडी है, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, वो सभी का है, बराबर। अगर मैं इंडिया के गंगा की बात करता हूँ तो गंगा इंडिया का है बिकॉज वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर है, बट अगर मैं ओशन की बात करता हूँ तो ओशन इंडिया का सिर्फ इंडिया का है ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बाकी के उसके नेबरिंग कंट्रीज का भी है, क्लियर हो रहा है। तो ओशन इंटरनेशनल रिसोर्सेज बन जाएगा, ठीक है, जहां पर उसको इंडिया ही यूज नहीं कर रहा है, उसे बाकी के नेबरिंग कंट्रीज भी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ऐसे रिसोर्सेज को आप बोलोगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सबको समझा? बराबर, क्लियर हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने थे, कौन से हैं? ओके, साथ में बोलो इंडिविजुअल,
कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये चार है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।